हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो फाइनली IQ 3 के बाद में अब IQ ने दोनों स्मार्टफोन 7 सीरीज के निकाल दिए, जैसे कहा जा रहा है IQ 7 और IQ 7 लेजेंड। जो दोनों फ़ोन है ये भाई एकदम पूरी तरह से अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। जो प्राइस है, जो स्पेसिफिकेशन है, वो सारे कमाल के हैं। बस मुझे लग रहा है कि अब जो वन प्लस की जो जगह थी, क्योंकि अभी तक वन प्लस का फ्लैगशिप किलर के रूप में आया था, लेकिन अब तो भाई वो फ्लैगशिप बन गया। और भाई क्योंकि IQ जो है वो BB के इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है, ठीक है, तो अब ये उसकी जगह ले चुका है, जैसे पूरी तरह से फ्लैगशिप किलर बन चुका है। और उनकी प्राइस है और स्पेसिफिकेशन जो बहुत शानदार है। तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन, आज इस वीडियो में सारी बातें करने वाले हैं। तो चलो फिर आरंभ करते हैं। बात कीजिए अभी जो रिसेंटली मी 11 की सीरीज आई थी, जिसमें आपको मी 11 एक्स देखने को मिलता था, भाई इसको पूरी तरह से किल कर दिया IQ 7 ने। यस, प्राइस भी थोड़ा कुछ सेम ही है, लगभग अगर आप ऑफर्स लगाते हो तो उससे सस्ता ही हो जाता है। और उसके बाद में इससे स्पेसिफिकेशंस बढ़िया है। तो बात कर लीजिए IQ 7 और लेजेंड दोनों में, आपको थोड़ी कुछ इधर उधर देखने को मिलेगा, और बल्कि 80-90% तक आपको सारी जो सिमिलैरिटी ही देखने को मिलेगा। तो बात कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 6.62 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है, 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। हालांकि डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा हो गया डिस्प्ले का, लेकिन भाई डिस्प्ले ऐसा है ही, बस इसमें आपको इतनी सारी स्पेसिफिकेशंस ही देखने को मिलती है, सब कुछ कमाल है। और भाई सुपर एमोलेड की वजह से इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। उसी का बात करें तो आपको मी 11 एक्स में साइड माउंटेड देखने को मिलता था। तो भाई एक पॉइंट तो ऐसे ही IQ 7 आगे हो गया। और आगे बात के प्रोसेसर बैंड, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो 5G कैपेबल है। 5G या जो दोनों फ़ोन है, दोनों फ़ोन 5G है। और आपको पता है कि 8888 सबसे हाई था, उससे जस्ट नीचे वाला ये प्रोसेसर, तो बहुत अमेजिंग आपको स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाता है। और प्रोसेसर जो इसकी प्रोसेसिंग होगी वो एकदम कमाल होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें अब की बार आपको दो चिप देखने को मिलता है, प्रोसेसर भी लगाया गया है प्लस एक अलग से चिप भी लगाया गया है, जिससे क्योंकि आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा वो बहुत कमाल हो जाएगा। अब जो वीडियोस देखते हो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अंतर जरूर देखने को मिलेगा, इसके लिए इन्होंने अलग से एक डेडिकेटेड चिप भी लगाया है, तो बहुत कमाल की बात है। और इसमें आपको LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिलता है, UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है। भाई इतना कमाल का कॉम्बिनेशन होने की वजह से आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा बहुत कमाल हो जाएगा। जो आपकी डेली टू डेली टास्क होगा भाई, उसे तो चुटकियों में हो जाएगा, कुछ भी आपको हल्का से भी लेगनेस देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बात की UI के बारे में, तो इसमें आपको पिछली बार की तरह भाई उनका कोई एक रॉक UI जैसा नहीं मिलता IQ UI। इसमें आपको अभी और फनटच OS देखने को मिलता है, जो वीवो वाला है। यस, फनटच OS विद एंड्रॉइड 11, और पहले खराब था फनटच OS, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने सुधार किया है, स्टॉक एंड्रॉइड की तरह थोड़ा आपको फील दिया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा सुधार किया। इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का पूरा फील आने वाला है, AMOLED का पूरा फील आने वाला है, क्योंकि जो पिछला इनका UI था वो खराब लग रहा था। यस, कोई सब बोलते थे भाई कार्टूनिस्ट UI कुछ भी, शायद मॉन्स्टर UI नाम था उसका। तो इन्होंने आपकी बार इस पर शिफ्ट करके बहुत अच्छा, क्योंकि आज के समय UI इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा सही बात है। अगर UI पर अगर इन लोग ध्यान दे देते हैं तो इनका जो फ़ोन है वो एकदम बेहतरीन हो जाता है। अगर बात करें कैमराज के बारे में, तो इसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप, 48 MP का मेन कैमरा, जिसमें आपको सोनी का 598 का सेंसर देखने को मिलता है, 30 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 MP का मोनो सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट में 30 MP का सेल्फी कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और अगर बात की बैटरीज के बारे में, तो इसमें आपको 4400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और 66 W यानी 66 W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलता है। और भाई कंपनी ने क्लेम किया कि आधे घंटे के अंदर अंदर आपका फोन 0-100% तक हो जाएगा, यानी भाई कमाल कर दिया, 66 W यानी 66 W, समझ आ रहा है, 66 W का चार्जर दिया है। आगे इसी का बात कीजिए इसके बड़े भाई यानी IQ 7 लेजेंड के बारे में, तो इसमें आपको उन लोगों 3 अंतर देखने को मिलता है। फर्स्ट, प्रोसेसर। यस, IQ 7 लेजेंड में आपको सबसे फ्लैक्सिबल लेवल, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर देखने को मिलता है। और आपको पता है अभी तक आपने OnePlus 9 Pro में सुना होगा कि हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसकी वजह से आपको लिक्विड कूलिंग बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, इससे क्या हो हीट ना हो, क्योंकि जो फोन है पूरी तरह से गेमर को डेडिकेटेड किया गया है। तो आपको परफॉर्मेंस टॉप नॉच दिया गया है, इसके लिए भाई आपका फोन हीट भी ना हो, तो इसके लिए लिक्विड कूलिंग बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। और इसमें आपको LPDDR5 की रैम टाइप देखने को मिलता है, उसमें 4X था, इसमें आपको 5 रैम टाइप, और UFS 3.1 है ही। इस
इसमें एक डाउनग्रेड किया गया है, आपको इसमें IQ7 में 4400 mAh की बैटरी देखने को मिलता था, यानी 4400, लेकिन वही भाई 7 लेजे आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलता है। अब भाई एक डाउनग्रेड इन्होंने किया हुआ है, हालांकि बैटरी दोनों में ही कम है, लेकिन ठीक ठाक चल जाएगा क्योंकि आधे घंटे में फुल चार्ज हो ही रहा है। ये जो दोनों फोन है इसमें आप ओनली ऑन डुअल सिम ही लगा सकते हो, कोई भी आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हो। इसमें आपको कोई भी 3.5 mm का जैक देखने को नहीं मिलता, हालांकि इसमें आपको डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिल जाता है, USB टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, फोन बढ़िया है। अब भाई आखिरी में चलते प्राइस के ऊपर, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ये 3 रैम वेरिएंट में आया है, फर्स्ट है 6128, सेकंड 8128 और थर्ड 8256। जो फर्स्ट वाले की प्राइस है वो 32,000 32,000 रुपये से स्टार्टिंग हो रहा है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्री बुक 1 मई यानी 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपके पास में ICICI का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 2,000 रुपये का ऐसे डिस्काउंट प्लस 2,000 रुपये का अमेजोन पे बैलेंस, यानी टोटल मिला के आपको 4,000 रुपये का डिस्काउंट। भाई 4,000 रुपये का डिस्काउंट, यानी अगर 32,000 वाला अगर आप फोन परचेस करो तो आपको सीधा 4,000 यानी 28,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा, जो Mi 11X से भी सस्ता है। यस, अगर आप ये ऑफर को अप्लीकेबल कर लेते हो तो भाई ये बहुत फैंटास्टिक डील है। उस जगह पे बात ही IQ7 लेजेंड, तो इसका जो 8128 GB वाला स्टोरेज का जो फोन है उसकी जो प्राइस है वो है 40,000 रुपये। अगर आपके पास में ICICI का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 3,000 रुपये डिस्काउंट प्लस 2,000 रुपये का अमेजोन पे बैलेंस, यानी बात किया टोटल में 5,000 रुपये का डिस्काउंट, यानी 40,000 वाला फोन आपको 35,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। तो बात किया फोन बढ़िया है, अगर आप ये जो ऑफर मिल रहा है अगर आप ये ऑफर का फायदा उठा लेते हो, लुप्त उठा लेते हो, तो आपके जो प्राइस वो एकदम बढ़िया फैंटास्टिक होने वाली है। तो चले गए, अगर आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा सकें, और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।